दोस्तों नमस्कार, आज 13 जुलाई 2023 को हम लोग विजिट कराने जा रहे हैं हमारा केवीएम स्कूल, कृष्णा विद्या मंदिर स्कूल, जिसके हेड है हमारे बाजिया जी और वहाँ हमारे कोऑर्डिनेटर के पद पे हमारे रतन जी भास्कर हैं जो हमारे बीच आने वाले हैं। अभी असेंबली चल रही है, हम आपको असेंबली को दिखाते हैं पूरी को। स्कूल का मतलब ही होता है कि प्रॉपरली असेंबली हो, बच्चा असेंबली के बाद क्लासेज में जाए। तो जरा बताएं बाजिया जी, आपका शेड्यूल क्या रहता है सुबह से लेके? सुबह 7:30 बजे सारे बच्चे आ जाते हैं असेंबली। अभी 8 बज रहे हैं। तो असेंबली चल रही है, स्टार्ट हो गई, और इसके बाद सीधा क्लासों में जाएंगे असेंबली के बाद। क्या बात है। और फिर क्लासेस स्टार्ट होगी, जो 2:10 तक क्लासेस चलेगी, ठीक है, बच्चा फ्री होगा। फिर 2 बजे बाद जो बच्चा लोकल या बस का है वो डाउट काउंटर ले सकता है। अगर 7 दिन ये दोबारा बताएं, मतलब 2 से 4 बच्चा रुक जाएगा, रुक के डाउट काउंटर ले सकता है, टीम वही रहेगी पूरी, बड़ी काम की बात है। अच्छा, आपके टेस्ट शेड्यूल क्या रहता है? हर 4 वीक से टेस्ट होते हैं, और उसके बाद क्वार्टरली एग्जाम होता है, रेंडम टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली के बाद डीटीएस स्टार्ट हो जाते हैं, जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो केवीएम की कहना करती है कि अभी आपने इस बच्चे को शेड्यूल दे दिया पूरा, जैसा सीएलसी में देते हैं शेड्यूल प्रिंटेड, वैसा शेड्यूल अपने यहाँ वॉकिंग देते हैं, यहाँ कि फिक्स है कि कितना पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कब होगा, ताकि हमारे बच्चे भी एक गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे और हमारी टीम को पता लग जाएगा कि भाई सिलेबस का पूरा होना है। बिल्कुल। और एग्जाम तक बच्चे मेहनत की जाती है। इस बार रिजल्ट, 10th का रिजल्ट बताएं अपना क्या रहा, टॉपर्स कैसे रहे? 10th में बॉस अपना 97.33 टॉपर रहा है, प्लग भामू, उसके बाद कुमकुम है, अभिषेक 97 ऊपर है, ऊपर 12th में 96% पे अपना पंकज है, फिर भी 95 से ऊपर 14 बच्चे हैं बॉस अपने। कितनी बसें आती है आपकी? 25 बसें आपकी जा रही है। बिल्कुल। बसें कितनी दूर जा रही है आपकी? यहाँ अपने सेंटर पॉइंट से 60 किलोमीटर तक रेडियस तक। आज दोस्तों 13 जुलाई 2023 को वीडियो शूट हो रहा है, 25 जुलाई से पहले इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप अभी भी केवीएम में एडमिशन करवा सकते हैं। ये आपकी सुबह की असेंबली हुई दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें, आज हम पूरा 2 बजे तक एक एक क्लास में जाके आपको एक एक चीज दिखाएंगे। तो ये आपका एक सुबह सुबह असेंबली का बहुत प्यारा दृश्य है, पीछे पूरी टीम खड़ी है ना, कैसा लग रहा है? आपको ले चलते हैं क्लासों में। तो ये हमारी बिल्डिंग कर्मस्थली है, तो आप जानते हो तपोस्थली बनने से कुछ क्लासेज हमने सीएलसी शिफ्ट कर दी तपोस्थली में, तो एक पूरा फ्लोर खाली करके हमने आपको दे दिया केवीएम को। कर्मस्थली का जो थर्ड फ्लोर है वो कंप्लीट किसके लिए है? साइंस विंग के लिए। तो ये गार्जियन हमारा थर्ड फ्लोर है हमारी कर्मस्थली का, और यहाँ के इंचार्ज राजेश नैन है, आए, आप खुद एमएससी बीएड है और आप कंप्लीट साइंस विंग के इंचार्ज है, एग्रीकल्चर और साइंस दोनों विंग के इंचार्ज है। कुछ साथी क्लासेस के बाहर भी खड़े हैं, ये हमारी साइंस की टीम है जो सेपरेट है। अब दोस्तों आओ एक एक क्लास में आपको हम लोग घुमाते आए। तो नैन साहब, ये आपकी 11th साइंस इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे बेटा। और दोस्तों हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खास बात है, जिस दिन बच्चे का एडमिशन होता है उसी दिन देखो इस बच्चे को एक शेड्यूल दे दिया प्रिंटेड, किस दिन कौन सी क्लास आएगी, क्या सब्जेक्ट आएगा और टॉपिक कब पूरा होगा। तो 29 जनवरी को स्पष्ट है इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, 11th का सिलेबस भी 29 जनवरी को पूरा हो जाएगा, और फरवरी मार्च में आप आपका 12th स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो हर क्लास में ऐसे शेड्यूल प्रिंटेड है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सारे सेट्स आप देख रहे हैं इसके माध्यम से। तो डियर, प्रिंटेड शेड्यूल देना, उसके बाद बाकायदा बच्चों के टेस्ट होना, उनकी रैंक बनना, उनकी सॉल्यूशन होना, और कॉपियां बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे देना। बोर्ड पैटर्न की कॉपियां। ये कौन सी क्लास है? ये 11th साइंस हिंदी मीडियम। सब ठीक हो? हैप्पी हैप्पी हो? आप कहां से हो? चुड़ौली से हो, 10th आप चुड़ौली से किया, क्या परसेंट बोर्ड में आपका 90, 90% है, क्या बात, 90% के बाद भी आपने फाउंडेशन का चुनाव नहीं किया, आपने स्कूलिंग की, दोस्तों बड़ी बात है, 90% का बच्चा स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि चाहे स्कूल हो या हमारा फाउंडेशन हो, दोनों क्वालिटी दोस्तों एक जैसी है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। आप खुश हैं? बस से आते हैं? क्या बात, थैंक यू। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? भावना। कहाँ के बेटा भावना? आप गुलियाना। आपके 10th का क्या परसेंटेज है? 93.60 है, क्या बात है, बस से आते हैं आप। Yes. तो 93% के बाद आपने स्कूल करने का फैसला किया है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप में हमारी केवीएम की स्कूल की क्वालिटी भी शो करती है। हाय बच्चों, कैसे हो? तो लोग भाई
मॉर्निंग बैठे, ट्वेल्थ साइंस हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम मतलब है कि साइंस का मतलब मैथ्स के बच्चे भी और बायो के बच्चे भी। अब आपका क्या नाम है? सुमैया। आप कहाँ से हो? किडोली। किडोली जो चिलासी के पास है। आपके टेंथ क्या परसेंटेज है? 90%। क्या बात है, शाबाश। टेंथ कहाँ से पढ़ गए थे आप? गांव से। अप डाउन करते हैं बस से? यस सर। आप में से कितने बच्चे ऐसे बसों से आते हैं? तो आपको बड़ा कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा। आप सीकर के लोकली बच्चे हो, किडोली के हो, 90% नंबर आए, तो बहुत सारे स्कूलें और भी रही होंगी, तो आपने केएम का चुनाव क्यों किया? आप केएम कैसे आए? नीट के लिए, मेरे को नीट करना है। तो ये अपना है एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम, तो हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। हाँ बेटा, क्या परसेंट है आपका? 93। टेंथ कहाँ से पास किया? संबल से। संबल कहाँ है? शोशिंगपुरा में। तो आपने बेटा 93% के बाद एग्रीकल्चर चुनाव क्यों किया? क्योंकि सर टेंथ में सारे सब्जेक्ट्स मतलब अपन सारे ही पढ़ते हैं और मैंने सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग पढ़े तो एग्री। थैंक यू बेटा। प्रेसिडेंट, ये क्लास आपकी है 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठे बेटा। 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अब बेटा क्या नाम आपका? रोहित चौधरी। आपका टेंथ का क्या परसेंटेज है? 91% है। अभी आप 12th मैथ इंग्लिश मीडियम में है, आपका टारगेट क्या आगे? एनडी है, आईटी है, क्या है? मनीषा, आपके टेंथ क्या परसेंटेज है? 90% है। आप टेंथ कहाँ से किया आपने? महेंद्रगढ़। अब आप 12th मैथ के स्टूडेंट है, कैसा लग रहा है आपको? अगले बेटा, आपका क्या नाम है? श्रेयांशी त्रिपाठी। त्रिपाठी कहाँ के हो? टोंक से। टोंक से हो। कितने परसेंट आपके टेंथ में? 95% है। क्या बात, थैंक यू। आपका क्या नाम बेटा? पूजा। पूजा कहाँ के हो बेटा? सर हरियाणा से। आप कितने परसेंट? 92% है। शाबाश। हमारे टेस्ट की कॉपियां जो है ना, वो भी टोटली बोर्ड के पैटर्न पे होती है, एजिट कॉपी बोर्ड में आती है, तो हमारे टेस्ट का लेवल, कॉपी का फॉर्मेट सब कुछ वैसा ही है जैसा बोर्ड में है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमने आपको साइंस विंग और एग्रीज विंग का विजिट कराया है। अब आगे लेके चलते हैं आपको हमारी 6, 7, 8, 9, 10 की विंग, जहां हमारे बाजिया जी बैठते हैं, जो केवीएम का मूल बिल्डिंग है, मूल ऑफिस है। तो ये अब बाजिया जी अपन केवीएम का जो मूल ब्लॉक है वहां है, जहां 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासेज रहती है। बिल्कुल, सेकेंडरी सेक्शन यहाँ चलता है। तो दोस्तों, ये हमारा केवीएम का एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे बाकायदा हमारे नरेश जी पूनिया बैठे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बाकायदा काउंटर लगा हुआ है बच्चे की आने की जाने की पूरी, और वो ही सेल्स स्टाइल में वो यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है। बच्चा अपना कार्ड लगाता है, कार्ड लगा के बच्चा अंदर एंट्री करता है। बिल्कुल। उसके बाद अब्सेंट बच्चे के घर एक टेक्स्ट मैसेज आता है और बाकायदा एक फिजिकली कॉल भी किया जाता है। ये हमारा यहाँ का एडम ब्लॉक है, ये यहाँ का हमारा ऑफिस है, यहाँ हमारे ये भावू जी बैठे हैं, सरिता जी बैठे हैं, ये एक वेटिंग लॉबी है, और ये हमारे चैम्बर है बाजिया जी का, और यहाँ भी वही पूरा पैटर्न, पूरे सीसीटीवी लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं सीसीटीवी के स्क्रीन पे, आप देखें ये सारी क्लासेज जो यहाँ बिल्कुल फुल स्विंग व्यवस्था चल रही है। रिजल्ट जो छाप रखा टेंथ बोर्ड का, ये तो बड़ा शानदार आपका जी बस, कि आपके 97% पे बोर्ड 2023 में टेंथ में तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे, हमारी बेटी पलक भामू सीकर की है, कुमकुम सीकर की, अभिषेक हमारा जोधपुर का बच्चा है, और 14 बच्चे अबाउ 95% है जी, 51 बच्चा अबाउ 90% है जी, और 69 बच्चा अबाउ 89% है। आपका 17 बच्चा केवल एक 89 के परसेंट पे आ गए, और 152 बच्चा अबाउ 80% है। तो मोटा मोटी कहे तो हर तीसरे बच्चे के 80% है, हर चौथे बच्चे के 85% है। अब साइंस पे आते हैं अपन लोग, तो यहाँ भी शानदार है। पंकज जांगी टॉपर 96% झुंझुनू का बच्चा है, अनुराग वर्मा अलवर का बच्चा 95.6 पे है, भूमिका पारिक 95.4 पे शिखर की है। तो यहाँ भी आपके पास 95 से ऊपर 4 बच्चे हैं जी। बेहतर बच्चा अबाउ 90% है, 196 बच्चा अबाउ 85% है, और 463 बच्चा 463 बच्चा अबाउ 80% है। तो कहने मतलब 10th और 12th हो, दोनों के रिजल्ट आपकी संस्था यहाँ से देती है। तो ये हमारी कौन सी क्लास है भाई? गुड मॉर्निंग, बैठे बेटा। कौन सी क्लास है? 8th इंग्लिश मीडियम। क्या बात है, तो वो बच्चे खड़े हो जाओ जो सीकर के नहीं है, जिनके पेरेंट्स यहाँ आए हैं, मकान या फ्लैट किराए लेके रह रहे हैं, खड़े हो जाओ। मतलब आप सबके पेरेंट्स सीकर के और आपके लिए आए हैं। आप कहाँ के हो? आपके साथ कौन रहता है?
आपके भी आई मम्मी सिर्फ, थैंक यू। तो दोस्तों आप देखो कि सपनों को पूरा करने के लिए लोग अपने घर बार छोड़ के, निश्चित बात अपना घर छोड़ के किराए के फ्लैट में रहते हैं दोस्तों, तकलीफ बहुत होती है, पर जिंदगी में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये तकलीफें सहन करते हैं। तो ये कौन सी क्लास होगी फिर भैया? गुड मॉर्निंग, बैठे। ये कौन सा क्लास है? एट इंग्लिश मीडियम जी। तो दो सेक्शन है जी बॉस। देखो दोस्तों हमारा स्कूल का क्लास ही बहुत प्यारा है, एक प्रॉपर फर्नीचर है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, लाइट हमारे 24 आवर चालू रहती हैं, प्रॉपर पंखे, प्रॉपर हवा, और क्लास में कहीं हमारी गंदगी नहीं होती है। तो ये दोस्तों हमारे 10th की क्लास है, आप देख रहे प्रॉपर क्लास है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, एडमिशन के साथ ही बच्चे को पूरी साल का शेड्यूल दे दिया जाता है कि कब आपका किस टॉपिक का टेस्ट होना है, किस टॉपिक को कितने दिन क्लास देनी है। पहला टेस्ट 29 जुलाई का है और आखिरी टेस्ट दोस्तों 4 दिसंबर का है, यानी 4 दिसंबर को हमारे बच्चों के 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी हाफ ईयरली होती है, उसके बाद दोस्तों जानते हो आप क्या चलती है, दिल्ली टेस्ट सीरीज। यहां हम एसटीएससी की भी तैयारी साथ करवाते हैं, ओलंपियाड और एसटीएससी के साथ। दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10 का सीएलसी सेपरेट चलाता फाउंडेशन, पर उसके बाद भी हम लोग बिना एक्स्ट्रा फीस लिए, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बिना कोई फीस लिए हमारी केवीएम में 6, 7, 8, 9, 10 में मैट की क्लास चालू हो चुकी है। तो ये 10th का हिंदी मीडियम का तीसरा बैच है। शेड्यूल दे दिया पूरा आपको। टेस्ट कब है? 29 जुलाई को। आखिरी कब है? 4 दिसंबर को। उसके बाद हाफ ईयरली होगी, फिर आपका डेली टेस्ट होंगे, बोर्ड के एग्जाम तक आप अंगेज रहेंगे। सब हैप्पी हैप्पी है? चलो आप सर क्या पढ़ा रहे हैं? रिजल्ट स्टार्ट हो गया आपके? ये बात मैं कोट करूंगा यहां पर भाई, आप हमारे साथी हैं जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में चलता प्री फाउंडेशन, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं साहब, आप सीएससी के थ्रू पढ़ते हो तो उसके 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करते हैं वहां हम लोग, लेकिन यदि आप केवी में एडमिशन लेते हो तो 6, 7, 8, 9, 10 में रीजनिंग की क्लास उसी फीस में दी जाती है। क्या है प्री फाउंडेशन? प्री फाउंडेशन बच्चा तैयारी करता है एनटीएससी और एसटीएससी। इसमें क्या क्या आता है? 10th की एसएसटी आती है, 10th की साइंस आती है, 10th की मैथ आती है, 10th की इंग्लिश आती है, एक्स्ट्रा क्या आता है? मैट। लेकिन खास बात है मैट का एक पूरा पेपर बराबर है, 90 क्वेश्चन आते हैं, जितने बाकी वेटेज होता है वेटेज मैट का होता है, उसकी बिना कोई चार्ज, बच्चों कोई फीस नहीं आपसे, स्कूल फीस में हमने आपको मैट की स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन है। तो दोस्तों ये एक नोट्स है मेंटल एबिलिटी का, जिसकी कोचिंग में आप जाओ तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, इसी के साथ इनको पीवाईक्यू भी दिया है एनटीसी का और एसटीसी का, तो ये एक अलग से क्वालिटी केवीएम की। इसके अलावा केवीएम में स्पोकन इंग्लिश तो सब लोग कराते हैं, हमारे यहाँ स्पोकन हिंदी क्लास भी लगाई है। हाँ तो भाई ये कौन सी क्लास है? गुड मॉर्निंग, कौन सी क्लास है? बैठो, 9th हिंदी मीडियम। बैठे बेटा, सब हैप्पी हैप्पी हो? शेड्यूल दे दिया गया आपको। टेस्ट करना अपना, फर्स्ट माइनर है, पेपर अच्छा करना, बढ़िया करना। ये कौन सी क्लास है? बैठे, 10th इंग्लिश मीडियम। सब हैप्पी हैप्पी हो? स्कूल के दोस्तों क्लास की सुंदरता होती है, 40, 50, 60 बच्चे के बाद फिर स्कूल लेवल पे बच्चे के इंडिविजुअली केयर नहीं हो सकती। कौन से बच्चे? 10th इंग्लिश मीडियम। सब ठीक हो? तो कहने की बात ही नहीं, शेड्यूल दे दिया गया, मैट का नोट दे दिया गया, मैट की क्लास आ गई, डाउट काउंटर लग रहा है, शाम का कैंप लग रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई? बैठे भाई, 10th इंग्लिश मीडियम। तो इस बार आपको पता लग गया होगा कि आपकी तैयारी स्टार्ट होगी प्री फाउंडेशन की। यहाँ भी नोट दे दिया मैट के, दे दिया क्लास आ रही टीचर की, ये क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। दोस्तों आर्ट्स की स्कूल इंग्लिश मीडियम मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपके किसी के 10th में 90% नंबर है, क्या परसेंटेज है? 90, आपके 97% आपके हैं। आप थैंक यू बेटे, बेटा 97 के बाद लोग अक्सर साइंस लेते हैं या कोचिंग में जाते हैं, आपने 97 के बाद आर्ट्स लेने के पीछे आपकी सोच तो बड़ी है, क्या सोच आपकी? क्या बात है, अब पापा क्या करते हैं आपके? कहाँ के हो बेटा आप? बच्चे के लिए ये बेटा इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा
कॉन्फिडेंस है कि 97 के बाद बुआने मोस्टली सब लिखा होगा साइंस दिलाओ, बायो दिलाओ, डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में परंपरा है। आप मेरी तरह हैं। तो 96 में मैंने नौकरी ना करके कोचिंग स्टार्ट किया था ना, तो लोगों ने कहा पागल आदमी है, नौकरी करनी चाहिए। तो निश्चित बात तेरे को सुनने को मिला होगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। थैंक यू बेटा जी। तो ये 12th आर्ट्स के बच्चे हिंदी मीडियम के जी बॉस, पर यहाँ आपके आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं जी बॉस। कौन कौन सब्जेक्ट आपके यहाँ? हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कंप्यूटर है। तो 6 सब्जेक्ट हैं जी बॉस, लेने 3 ही होते हैं जी बॉस, इसलिए आप हर सब्जेक्ट आज अलग कर देते हैं जी बॉस, और 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सर हमारी क्वालिटी है, ये हमारा कमिटमेंट है। रतन जगाओ तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल है, आप MA है, BEd है, हाईली क्वालिफाइड है, और बेटा ये हमारी कमिटमेंट होता है। 5 बच्चे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है अभी क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी साहित्य। आपके पास क्या सब्जेक्ट है? हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। तो दोस्तों ये हमारा आर्ट्स का स्ट्रीम है, जहाँ हमारे पास 6 ऑप्शनल है, बच्चों लेने 3 ही होते हैं और उसके पास संभावना ही बहुत है। कौन सी क्लास है? 9th इंग्लिश मीडियम। सब हैप्पी हैप्पी हो? आपके पास 9th कितने बैच हैं? 2 बैच इंग्लिश मीडियम, 2 बैच हिंदी मीडियम। 9th में 2 हिंदी मीडियम, 2 इंग्लिश मीडियम। 10th में 3 हिंदी मीडियम, 3 इंग्लिश मीडियम। आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम। आर्ट्स का इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट करना बड़ी बात है। हमने स्टार्ट किया, डिमांड थी पेरेंट्स की, और सीकर का सौभाग्य है कि आज के 5 साल पहले सीकर में कोई बच्चा आर्ट्स पढ़े इंग्लिश मीडियम तक स्कूल होता ही नहीं था। आज आपके पास एक अच्छा स्कूल है। दोस्तों ये हमारा 6th क्लास है इंग्लिश मीडियम का। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि आज 13 जुलाई 2023 को ब्लॉग शूट हुआ है, 25 जुलाई 2023 से पहले आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो डियर आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, और इसके बाद आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े। अगले जनवरी 2024 से अगले सेशन के हमारे कोर्सेज, हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप सीकर आते हैं आप KVM विजिट करें, CLC विजिट करें, वो सीकर लोकल के हैं। एक बार आपको CLC का, KVM का, हमारे CIS का विजिट जरूर करना चाहिए। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी सीकर आए आप आए, विजिट करें। नमस्कार, जय हिंद।